हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट ऑफ सेल के बारे में। जो पॉइंट ऑफ सेल वर्ड आपने सुना भी होगा जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं या फिर बिजनेस में, तो पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? सेल मतलब तो पता है, बट इसमें क्या वर्ड एड हो गया है? पॉइंट ऑफ सेल। मान लीजिए जैसे ग्रोसरी शॉप होती है, तो उसमें क्या होता है, हर तरह के कस्टमर्स आते हैं, चाहे वो कैश से पेमेंट कर रहे हो। कुछ लोग आते हैं जो अभी क्या हो गया, ऑनलाइन मोड में पेमेंट करते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन सब के थ्रू। और कुछ क्या होता है कि कार्ड से पेमेंट करते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से। और जो कुछ फोर टाइप के कौन से लोग होते हैं, जो कि वाउचर, जैसे गिफ्ट वाउचर मिलते हैं। जैसे आप कहीं पे ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, ये तो आपने ऑनलाइन में देखा होगा, जब कहीं पर ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं तो वो जो कंपनी होती है वो क्या कहती है, ऐसा कर देती है कि 1000 रुपए का आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है, ताकि आप कहीं पर भी जाकर, कुछ स्पेसिफिक जगह होती है वहां पर, उससे कैश में आप कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये चार पांच तरह के कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि कैश वाले, कार्ड वाले, या फिर ऑनलाइन पेमेंट वाले, या फिर गिफ्ट वाउचर के थ्रू पेमेंट करने वाले। तो गिफ्ट वाउचर में तो वैसे क्या होता है, बेसिकली जहां से आप सामान खरीदते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी वहां पर विजिट करें, तो वहीं से ही आप शॉपिंग कर सके, मतलब कि वो वहीं पर ही उससे आप सामान खरीद सके। ठीक है, तो बेसिकली आपको पॉइंट ऑफ सेल का मतलब आप समझ आ गया होगा, पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है ना। आप बढ़ते हैं आगे। तो हमने एग्जांपल क्या लिया था, पॉइंट ऑफ सेल का क्या होता है, ग्रोसरी शॉप का मैंने एग्जांपल लिया था। ऐसा है, जरूरी नहीं है ग्रोसरी शॉप पर, ये कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट हो सकती है, कोई भी शॉप हो सकती है, या फिर कोई भी रिटेल की शॉप हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि जो पॉइंट ऑफ सेल होती है वो कैश पर होता है, क्रेडिट पर नहीं होता है। ठीक है, क्रेडिट पर इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें जो पेमेंट होती है वो इमीडिएट पेमेंट होती है, कि जब हम अपना कुछ सामान परचेज कर रहे हैं तो तभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आते हैं यहाँ पर, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। मैंने एक न्यू कंपनी क्रिएट की है, इस पर गेट पर आएंगे, यहाँ पर लेजर ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, F11 को प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे जो ऑप्शन थे वो इनेबल हो रखे हैं, तो अभी क्या करेंगे, बैक करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। ग्रेट पे जाने के बाद हमें क्या करना होगा, वाउचर टाइप पर एंटर करेंगे। इसमें क्या होगा, हमारा वाउचर टाइप बनेगा पॉइंट ऑफ सेल, क्योंकि अभी तक आपने जितना भी देखा है उसमें पॉइंट ऑफ सेल का जो वाउचर था वो था नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर बनाएंगे। इसको हम किसके वाउचर के साथ एड कर देंगे, सेल्स के साथ। ठीक है, और सेल में रखेंगे, इसको अभी कुछ भी नहीं छेड़ना है इनमें से। फिर यहाँ पे आ रहा है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, तो आप इसको यस करेंगे। और ये क्या है, यूज फॉर POS, POS को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल की शॉर्ट फॉर्म होती है POS। ठीक है, इसको भी क्या कर देंगे, यस करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन आया, मैसेज टू प्रिंट 1 और मैसेज टू प्रिंट 2। तो अब इसमें हमें क्या डालना होगा, मैसेज लिखना होगा, जब वो प्रिंट होकर आएगा इनवॉइस को हम देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, थैंक यू, और यहाँ पे क्या लिख देंगे सेकंड मैसेज में, विजिट अगेन। और यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। देखिए डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट में क्या होता है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब हमारा इनवॉइस होगा वो प्रिंट होके आएगा, वैसे क्या लिखा आता है कि इनवॉइस, यही सब लिखा आता है, हम क्या लिख देंगे, POS, जब प्रिंट होके आएगा देखना POS लिखेगा। फिर क्या है यहाँ पर ऑप्शन, सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन, इसमें क्या करेंगे आप, इसको भी यस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन पढ़िए क्या है, वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। तो अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ लिखना चाहते हैं अपनी तरफ से लिख सकते हैं इसमें,
नहीं तो आप इसी को कर लेंगे कि जो जितने भी इनवॉइस पर डिटेल्स होंगे, एक्चुअल प्राइस होगा गुड का, वो सब ट्रू होगा, करेक्ट होगा, कंट्रोल ए करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो तरह से होता है जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, ठीक है। अभी हम बिना नेम ऑफ क्लास के सीखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे नेम ऑफ क्लास के साथ सीखेंगे, इसको कंट्रोल ए कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया, अब क्या करेंगे इसके बाद आएंगे यहाँ पर वाउचर से। वाउचर से देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, पहले हम देखते हैं हमारी कंपनी में, देखिए न्यू कंपनी बनाई है तो हमारे पास अभी कैश भी नहीं है, तो पहले मैं अपनी कंपनी में कैश ले आती हूँ। F5 को प्रेस करेंगे, F6 को, फिर यहाँ पे क्या करेंगे एक लेजर बना लेती हूँ मैं, कि हमारे पास कैपिटल आ गई, अब हमारी कंपनी में इतना पैसा आ गया है, ठीक है। अभी क्या करना है हमने यहाँ पर क्या करेंगे F8 को प्रेस करेंगे, या फिर हम पहले परचेज कर लेते हैं ना, कंपनी में कुछ सामान भी तो होना चाहिए बेचने के लिए, तो F9 को प्रेस करेंगे, 1 नंबर डालेंगे, इसमें हम पार्टी बना लेते हैं रमन क्रेडिटर, इसको हटाते हैं ये भी। अब यहाँ पे क्या बनेगा एक परचेज का लेजर बनाते हैं, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा हमें स्टॉक आइटम बनाना होगा, जैसे मैं स्टॉक आइटम बना लेती हूँ डेल 6532। अब इसको हम किस में रखेंगे, कौन से ग्रुप में रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के, बिल्कुल बेसिक से बता रही स्टार्टिंग से, है ना। कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, कौन सी कैटेगरी में रखेंगे लैपटॉप की कैटेगरी में रखेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। इसको भी और चीजें हम यहाँ से डायरेक्ट सारी चीजें बना रहे हैं, ये भी कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। अब ये हमारा जो डेल है वो हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए 200 पीस खरीद रहे हैं 1000 के हिसाब से, तो 2 लाख का हम सामान परचेज कर रहे हैं। तो देखिए हमने हमारे अब कंपनी में आ गया है, अब करते हैं अपना प्रोसेस स्टार्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पर वाउचर टाइप बनाना सीख लिया, लेजर बनेगा यहाँ पे क्रेडिटर का, अगर आपकी कंपनी में सामान नहीं है तो अब क्या करना है हमें, वाउचर टाइप बनाने के बाद F8 को प्रेस करेंगे, क्योंकि हमने सेल में रखा था इसीलिए हम क्या कर रहे हैं F8 को प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट ऑफ सेल का जो वाउचर टाइप आ रहा है उसको ऑप्शन आ रहा है कि आप इसमें से कौन सा ओपन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे पॉइंट ऑफ सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पे पार्टी का नाम डालेंगे रमन क्रेडिटर, ये तो क्रेडिटर, बट हम क्या कर रहे हैं सेल, तो हम ऑल सी से सागर डेटर पहचान के लिए मांगी है, डेटर क्रेडिटर भी लिख रही है इसीलिए ताकि समझ आ जाए, तो कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। डेटर की स्पेलिंग गलत हो गई कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा है। बाकी क्या करेंगे इसमें सेल्स लेजर में क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट आ जाएगा, इसमें कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कैश स्टॉक आइटम है बेचने के लिए, डेल के 100 पीस पड़े हुए हैं, तो डेल को हम क्या बेच रहे हैं, डेल के 2 पीस या फिर 10 पीस बेच रहे हैं, 1000 के अकॉर्डिंग खरीदा था, 1500 के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 15000 की हम क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, या फिर 2000 के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं, तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया 20000 का सामान हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे गिफ्ट वाउचर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको हैंड टू हैंड क्या बनाना पड़ेगा, अब ऑल सी से गिफ्ट वाउचर का ही लेजर बनाना पड़ेगा, इसको हम किस में रखेंगे डेटर में रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो गिफ्ट वाउचर यहाँ पे लेजर लिया मैंने, एक सेकेंड, गिफ्ट वाउचर का क्यों बनाया है, क्योंकि जो हमारे पास जो ये सागर है यहाँ पे पैसे कैसे दे रहा है, गिफ्ट वाउचर के थ्रू भी पैसे दे रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा टोटल हमें कितने पैसे देने हैं सागर को, सागर हमें देगा 20000 रुपए, तो मान लीजिए 5000 का इसने गिफ्ट वाउचर दे दिया। आप बताइए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करेगा, ठीक है, तो डेबिट कार्ड के लिए भी यहाँ पे हमने नहीं बना रखा, तो यहाँ पे बना लेते हैं SBI का डेबिट कार्ड, ये किस में जाएगा बैंक अकाउंट में जाएगा,
यहाँ पे देखिए अकाउंट होल्डर नेम कंपनी का नेम आ गया है, अकाउंट नंबर डाल लेते हैं कुछ भी, यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल लेते हैं और यहाँ पे क्या होगा ये सब नंबर डालेंगे, ब्रांच ये सब आ गई ठीक है, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। अभी यहाँ पे क्या है कि ये 15,000 इसने नहीं किए, इसने बैंक से मतलब कार्ड से कितनी पेमेंट की है, 10,000 इसने कार्ड से पेमेंट किया, यहाँ पे कार्ड नंबर लिख देंगे। अब ये क्या है चेक, ये भी बैंक से रिलेटेड है तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे कि चेक से इसने कितनी पेमेंट की है, 2,000 रुपए या 3,000 लिख देते हैं, बल्कि 4 लिख देते हैं ताकि आपको मैं बैलेंस बचा के दिखाऊंगी तो वो सही आएगा। बैंक का नेम क्या आएगा, SBI आएगा, चेक नंबर ठीक है, अब आया है कैश से पेमेंट करने के लिए कि कैश से कितनी पेमेंट की है। अब कितना बच रहा था, 1,000 बच रहा था, बट इसे हमें इसके पास 1,000 का नोट तो था, 2,000 का नोट था, तो इसे हमें कितने दे दिए, 2,000 रुपए दे दिए। तो हम एंटर करेंगे यहाँ पर, इसने हमें दे दिए 1,000 रुपए। अब देखिए यहाँ पे जो कैश स्टैंडर्ड है ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो अब इनमें से क्या होता है, कैश स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो हमें वो एक्स्ट्रा अमाउंट दे देते हैं, मतलब कि हमें उनमें से माइनस करके उनको वापस करना होता है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 11,000, एक सेकेंड ये वापस कर रहे हैं सर, ये 10,000 करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हमें जो है इतने पूरे पैसे दिए हैं, कुछ वापस नहीं देना ठीक है, जो बैलेंस बचेगा उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तो अभी इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं बच रहे हैं कैश में ठीक है। देखिए टोटल करेंगे तो आप टोटल कितना आ रहा है, 20,000 की पेमेंट सागर को हमें करनी थी, सागर ने हमें 20,000 रुपए दे दिए 4 अलग अलग मेथड से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर भी 100 रुपए हम लिख देते हैं ऐसे ही ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हटाती हूँ मैं इसको, मैंने सेव नहीं किया, यहाँ पे आपको कहाँ पे शो हो जाएगा, ये डे बुक में यहाँ पर शो हो जाएगा ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ पर कैसे किया जाता है और यहाँ पर एंट्री कैसे होती है पॉइंट ऑफ सेल में। तो पॉइंट ऑफ सेल में आज हमने बिना ही हमने नेम ऑफ क्लास के समझा था, हम हैंड टू हैंड क्या बना रहे थे, यहाँ पे ये सारे हमने लेजर्स हैंड टू हैंड ये सब बनाए थे। अभी क्या करेंगे कि गिफ्ट वाउचर का लेजर, बैंक का लेजर ये सब नहीं बनाना होगा, हम एक ही बार हमारे पास ये सारे ऑप्शन आएंगे, सिर्फ हमें अमाउंट फिल करना होगा ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।